Hey guys, welcome back to my channel. आज हम यहाँ पे बात करने वाले मीवी की ओर से आने वाले डियोपोर्स के बारे में और रिसेंटली काफी दो तीन मॉडल और भी लॉन्च हो चुके हैं और रिसेंट मतलब दो तीन दिन पहले ही एक और ईयरबड्स मतलब जो TWS ईयरबड्स है वो लॉन्च हो चुके हैं मीवी की ओर से। तो मीवी A350 के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले, इसका साउंड टेस्ट करेंगे, कॉलिंग एक्सपीरियंस लेंगे और इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर जो आपको बैटरी बैकअप वो कितना मिलता है इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले जल्दी से यहाँ पे इस बॉक्स को अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन सी एसेसरीज वगैरह कुछ मिल जाती है। यहाँ पे इसके बॉक्स पैकिंग के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे आपको मीवी की ब्रांडिंग एक्चुअली में इस डियोपोर्ड A350 जो इसका मॉडल नंबर है वो देखने को मिल जाता है। बॉक्स के पीछे के साइड आपको नॉर्मल की फीचर्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं। जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओके भाई, एक मीवी का जो एक वारंटी कार्ड है वो देखने को मिल जाए, क्यू आर कोड को स्कैन करके इसकी वारंटी रजिस्टर करनी है। इसके अलावा एक भाई यूजर मैनुअल मिल जाती है और एक वेलकम द क्रू करके जो इसका वेलकम नोट है वो देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा भाई पैकिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी, और भाई मैंने ये जो स्पेस ग्रे कलर वेरिएंट्स में परचेस किया था भाई काफ़ी प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है और मैट फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बॉक्स मिलता है जिसके साथ में भाई चार्जिंग केबल होगा, एक जो टाइप सी चार्जिंग केबल है और यहाँ पे भी मीवी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे भाई ईयर ट्यूब्स वगैरह तो कुछ मिलने नहीं वाला क्योंकि भाई एक्चुअल में भाई आगे बात कर लेते हैं, जैसे देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर भाई आपको कुछ ईयर ट्यूब्स वगैरह की एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी से इन सबको साइड में हटाते हैं और आते हैं मेन चार्जिंग केस के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसके चार्जिंग केस के बारे में बात करें तो फ्रंट में मीवी की ब्रांडिंग और 4 LED इंडिकेटर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका जो कलर है ना भाई, स्पेस ग्रे मैंने परचेस किया है और मेटालिक कलर वेरियंट है। और इसके अलावा ये भाई मैट कलर में भाई काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक मिल जाता है। और इसके अलावा इसके बॉटम में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा इस चार्जिंग केस को जैसे ही ओपन करते तो इसका जो हिंज है वो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। और दोनों ईयरबड्स को वन बाय वन बाहर निकाल के देख लेते हैं। और गाइज यहाँ पे इसकी जो प्रीमियमनेस है ना भाई काफ़ी कमाल की मिल जाती है। स्पेस ग्रे एंड ब्लैक कलर में कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ईयरबड्स मिल जाते हैं और ये भी काफ़ी लाइट वेट ईयरबड्स है। और इसके अलावा भाई जल्दी से इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस मीवी डियोपोर्स A350 के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई इसके अंदर जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.1 ऑलमोस्ट तो मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो आपको अप टू 10 मीटर तक की एज ऑलवेज मिल जाती है। मीवी डियोपोर्स A350 के डिजाइन वगैरह के बारे में बात करें तो इसके जो ईयरबड्स की जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे हाफ इन ईयर टाइप की डिजाइन मिल जाती है। मतलब जैसे ही अपने कानों के अंदर आपको इसको रखते हो ना तो बाहर की आवाज काफी हद तक रिड्यूस तो हो ही जाती है। उसके अलावा भाई काफी अच्छी तरीके से अपने कानों में फिट हो जाते हैं। मतलब आप कोई भी आउटडोर या फिर इंडोर एक्टिविटीज वगैरह कुछ कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो फिटिंग है वो भाई मुझे काफी पसंद आया है। और इसके अलावा यहाँ पे इस ईयरबड्स के अंदर आपको इच ईयरबड 2 MEMS माइक्रोफोन मिल जाते हैं जिससे भाई कंपनी का कहना है भाई क्रिस्टल क्लियर साउंड मतलब कि जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो भाई हमारा हर बार की तरह भाई कॉलिंग एक्सपीरियंस तो हम करने ही वाले और आप ही जज करना कि भाई कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको एक्चुअल में कैसा मिलता है। तो फिलहाल मैंने अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ और वहां से आप जज कर सकते हो कि किस टाइप का कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हेलो हेलो, हाँ आपको मेरी आवाज कैसी आती है? आती है, साफ साफ आवाज आती है, मतलब क्रिस्टल क्लियर जैसी आवाज आती है ना, कोई नॉइज वगैरह कुछ आता है या फिर नहीं आता है? नहीं, बाहर का नॉइज कोई नहीं आता। ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस हमने करके देख लिया, आप यहाँ पे आपको ही जज करना है भाई किस टाइप का कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है आपको काफी अच्छा मिल जाता है क्योंकि इच ईयरबड्स आपको 2 MEMS माइक्रोफोन मिलते हैं, तो भाई कॉलिंग एक्सपीरियंस बेस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके कलर वेरियंट्स के बारे में बात करें तो ये जो डियोपोर्स है वो टोटल 5 कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है और सबके जो कलर वेरियंट्स वो मेटालिक कलर वेरियंट्स में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक ब्लैक, दूसरा ब्लू, तीसरा स्पेस ग्रे, फोर्थ व्हाइट और इसके अलावा जो फिफ्थ है वो है मिंट ग्रीन कलर। मतलब ये 5 कलर वेरिएंट में आपको ये ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे amazon.in के ऊपर। और इसकी जो प्राइस हो फिर से बताता हूं भाई, 1299 रुपीज मतलब 1300 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएंगे amazon.in के ऊपर और इसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे जल्दी से इसका
साउंड टेस्ट करते हो, देखते कि यहाँ पे इसकी जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे किस टाइप का मिल जाएगा। साउंड के बारे में बात करें तो भाई इस ईयरबड्स के अंदर आपको 13mm के इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं और इसके साथ HD स्टूडियो साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कंपनी का दावा है, जल्दी से भाई काफी एक्साइटेड हो भाई, अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं तो भाई साउंड एक्सपीरियंस लेना तो बनता है। साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे इसकी जो लाउडनेस भाई काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन आप 100% वॉल्यूम पे इसको प्ले करते हो तो नॉर्मल सी और इतू सी ही डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाती है। काफी प्रो लेवल के आप म्यूजिक लवर्स हो तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, लेकिन भाई ऐसे रेगुलर आप इसका यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप 90-95% वॉल्यूम पे अगर इसको प्ले करते हो तो भाई काफी अच्छी लाउडनेस वगैरह कुछ देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके ट्रबल्स वगैरह के बारे में, तो ट्रबल्स वगैरह काफी एक्यूरेट आपको सुनने को मिल जाएगा। और अब यहाँ पे इसके बेस क्वालिटी के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी आपको एवरेज सी बेस क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, मतलब म्यूजिक वगैरह कुछ प्ले करते हो तो नॉर्मल बेस एक्सपीरियंस आपको इस ईयरबड्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी के रिलेटेड यहाँ पे इसके रेटिंग के बारे में बात करूं तो भाई मैं इस ईयरबड्स को यहाँ पे 4.3/5 रेटिंग देने वाला हूँ, म्यूजिक वगैरह कुछ काफी अच्छा मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं यहाँ पे इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो भाई इस ईयरबड्स के अंदर आपको टोटल 500mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, मतलब कंपनी का दावा है कि चार्जिंग केस को और ईयरबड्स को 100% चार्ज करने के बाद यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 50 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है 70% वॉल्यूम पे। अगर आप 100% वॉल्यूम पे इसको प्ले करते हो तो आपको मेरे ख्याल से 35-38 आवर्स का 100% प्ले टाइम तो मिलने ही वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे इस ईयरबड्स को 100% चार्ज करने के बाद इसको यूज करते हो तो आपको यहाँ पे कंपनी का दावा है 70% वॉल्यूम पे 8.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा, लेकिन आप 95% या फिर 100% वॉल्यूम पे भी इसको प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.5 घंटे तक का प्ले टाइम तो मिलने वाला है। मतलब बैटरी कैपेसिटी भाई काफी अच्छी मिल जाती है इन दिस प्राइस रेंज के अंदर। और गाइस इसकी जो प्राइस है वो सेल वगैरह में मेरे ख्याल से ये फिर से 999 रुपीज हो जाएगी या हो सकती है, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन भाई फिलहाल amazon.in के ऊपर इसकी जो प्राइस है वो 1299 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। वर्थ इट है, परचेस कर सकते हो, रेकमेंडेड करता हूं। अगर आप गेमिंग पर्पज से परचेस करना चाहते हो तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। नॉर्मल म्यूजिक वगैरह के लिए, कॉलिंग के लिए भाई काफी अच्छी ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इसके ऑल ओवर रेटिंग के बारे में बात करूँ, बिल्ड एंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस, बैटरी बैकअप और इसके जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है, इन सबको मिला के टोटल यहाँ पे इसको मैं 4.4/5 रेटिंग देने वाला हूँ। कॉलिंग एक्सपीरियंस मुझे भाई काफी बेस्ट लगा है, साउंड एक्सपीरियंस नॉर्मल है, बेस क्वालिटी वगैरह कुछ एवरेज मिल जाते हैं इसलिए लाउडनेस काफी अच्छी मिल जाती है। बैटरी बैकअप भी आपको इस प्राइस रेंज के अंदर भाई काफी अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो बस आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। और इसी के साथ इस प्रोडक्ट को परचेस करना है तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।